चलिए जी, हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस की। तो उसके अंदर आप लोगों को दो चीजें देखनी है, ठीक है? चलो इससे पहले हम इसके क्वेश्चंस वगैरह करने स्टार्ट करें, पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो बेटा, जब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लसेस होते क्या क्या है पहले ये सुनो। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है कि हमारी फर्म जो प्रॉफिट वगैरह अर्न करती है, प्रॉफिट कमाने के बाद वो सारे प्रॉफिट को बांट नहीं लेती, वो सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेती। कारण क्या है ना डिस्ट्रीब्यूट करने का? क्योंकि पता नहीं है कब कैसा समय आ जाए, तो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। तो वो अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा करके और रख लिया जाता है फ्यूचर के लिए। तो इसको दो फॉर्म्स में रख सकते हैं, या तो रिजर्व की फॉर्म में या फिर सरप्लसेस की फॉर्म में। तो अब रिजर्व क्या है कि हमने उस पैसे को जमा करके रख लिया, गुल्लक में रख लिया, ठीक है? और एक हो गया सरप्लस कि हमने उस प्रॉफिट को इकट्ठा करके रख लिया, नाम नहीं दिया उसको। रिजर्व में क्या होता है, उस गुल्लक पे नाम लिख दिया जाता है, ये फलाने फलाने काम के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है? तो ये रिजर्व हो गया, और हमने वो पैसा बचा करके रख लिया, सेविंग्स। क्या बोलते हैं इसको? सेविंग्स। वो जो सेविंग्स है उनको हमने बचा करके रख लिया, लेकिन नाम किसी चीज का नहीं दिया, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं बेटा जी? सरप्लस। क्लियर है? तो रिजर्व एंड सरप्लस। और जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, वहां पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है रिजर्व एंड सरप्लसेस का। ओके, क्लियर है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे पार्टनर्स का रेशो चेंज हो जाए, कोई नया पार्टनर आ जाए फर्म में, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए एग्जिस्टिंग, या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाए, तो ये सारे कारण क्या होते हैं? एग्रीमेंट में चेंज के कारण होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस समझ में आ गया क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस, क्लियर है? अब बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये समझना है। क्लियर है? चलो जी सुनना बेटा ध्यान से, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट, इसके अंदर दो बातें होती हैं। या तो पार्टनर इस प्रॉफिट, इस रिजर्व एंड सरप्लस को बांटना चाहते होंगे, या फिर पार्टनर इन रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर दो चीजें बना रखी है। या तो पार्टनर क्या कह रहे होंगे, ठीक है जी, तो या तो रिजर्व एंड सरप्लस को पार्टनर बांटना चाहेंगे, वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, या फिर वो रिजर्व एंड सरप्लस को बांटना नहीं चाहेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होगा, ठीक है? वो पढ़ना कैसे है, कहां से पता चलेगा, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर बेटा जी वो बांटना चाहते हैं, अगर रिजर्व एंड सरप्लसेस को वो बांटना चाहते हैं, तो किस रेशो में बांटेंगे बेटा जी? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में, ओके। और या फिर वो बांटना नहीं चाहते तो किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइस और गेन में। अब आपको ओल्ड रेशो निकालना आता है, सैक्रिफाइस गेन भी निकालना आता है, बस सीधा क्वेश्चन पे चलें, इजी है। चलो जी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई ये रिजर्व एंड सरप्लसेस कौन कौन से हैं, क्या है वो सब चीजें, ठीक है? देखो जी, यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? एक्स वाई जेड, और रेशो क्या है? 4:3:2, यानी एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 4:3:2 में बांटते हैं, ओके, 4:3:2 में बांटते हैं एक्स वाई जेड। 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसाइड करा कि वो प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वली, तो रेशो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बेटा मैं इसके ऊपर ये लिख सकता हूं कि ये हमारा ओ आर हो गया, और ये वाला जो हो गया हमारा वो एन आर हो गया, यानी ओल्ड रेशो 4:3:2 और न्यू रेशो क्या हो गया? इक्वली, यानी 1:1:1, रेशो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? चलो, सबसे पहले आपसे बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस बताया आपको, और वो कितने रुपए बताया? 1,20,000। इसका मतलब इनके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पड़ा हुआ है कितने रुपए? 1,20,000। उसके बाद बेटा जर्नलिज्म में बैलेंस पड़ा है 45,000। आफ्टर दैट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि देखो, हमारे यहां पर वर्कर काम करते हैं, अब वर्कर काम कर रहे हैं तो कोई मिसहैपनिंग, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है या नहीं हो सकता? तो भाई अगर किसी वर्कर को चोट लग गई तो उसके इलाज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? हमारी। हमारे यहाँ काम कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। तो उसके लिए पहले से ही क्या बना के चलते हैं? रिजर्व। क्या बना के चलते हैं? रिजर्व, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके। उसके बाद लास्ट में क्या दे रखा है बेटा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या है? ये हमारा खर्चा होता है। क्या होता है ये? हमारा
खर्चा और इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है हमारा, लॉस। क्लियर है? तो कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉसेस भी है। लास्ट में कह रहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कह रहा है कि आप हमें जनरल एंट्री करके दिखा दो भैया, कैसे करोगे? क्या पूरे क्वेश्चन में ये कहीं कहा है कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट? क्या ये बोला है कि ये बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते? क्या कुछ ऐसा बोला है? नहीं। तो हम क्या मान के चलेंगे? बांटना चाहते हैं। क्लियरली क्लियर है? देखो अगर क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा कि वो बांटना नहीं चाहते, तब तक हम क्या मानेंगे? बांटना चाहते हैं। और अगर रिजर्व एंड सरप्लसेस को बांटना चाहते तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होता है? ओल्ड रेशो में। किस में होता है बेटा जी? ओल्ड रेशो में। चलो मुझे फटाफट बताओ, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, अगर उसको पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा भाई। प्रॉफिट को अगर बांटेंगे तो पार्टनर को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को अगर पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट ही होगा। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको भी कौन बांटेगा? पार्टनर। क्यों? कारण क्या है? सुनिए एक बात बताओ, हमने रिजर्व बना लिया वर्कमैन कंपनसेशन कि अगर वर्कर को कोई चोट लगेगी तो यहां से भुगतान कर देंगे, पूरे साल सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले की कृपा रही, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो क्या हम जबरदस्ती एम्प्लॉय का हाथ पकड़ के मशीन में डाल दें? क्या हमने रिजर्व बना रखा है, तू बच कैसे गया? क्या ऐसा होगा? क्या नहीं? तो फिर क्या है बेटा, इस रिजर्व को कौन बांट लेगा? पार्टनर बांट लेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ ठीक रहता है, तो इस रिजर्व को कौन बांट लेगा? पार्टनर, क्योंकि अल्टीमेटली इन पर अधिकार किसका है? पार्टनर्स का ही है। ओके क्लियर है? तो तीन चीजों से पार्टनर को प्रॉफिट होने वाला है। किस किस से? प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन। ओके, लास्ट में क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बेटा एडवर्टीजमेंट हमारे लॉस का पार्ट होता है, ठीक है? तो एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा है, उसको राइट ऑफ करना है, तो इस लॉस को कौन भुगतान करेगा भैया? पार्टनर। प्रॉफिट में तुम आ रहे हो तो लॉस में कौन आएगा? पार्टनर। तो पार्टनर को इससे क्या होगा? लॉस। पार्टनर को क्या होगा इससे? लॉस। ओके क्लियर है? चलो अब जनरल एंट्री बनाए। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन समझ में आ गया? बेटा जी मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या यहां पर यह लिखा हुआ है कि बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते? कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या मान के चलेंगे? बांटना चाहते हैं। ओके चलिए जी, सुनिएगा ध्यान से, पहली जनरल एंट्री। अच्छा सबकी अलग अलग करूं या एक साथ कर दूं? एक साथ ही कर दें। देखो क्या अब एक साथ कैसे होगा, सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा, जनरल जब बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा, और जनरल वर्कमैन कंपनसेशन जब बांटेंगे तो भी पार्टनर को प्रॉफिट। तीन चीजों से प्रॉफिट होने वाला है, तो इन तीन को मैं एक साइड कर लूं, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से क्या होने वाला है? लॉस, तो उसको एक साइड। तो एक जनरल एंट्री हम कॉमन बना देते हैं। देखिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओके, इनको मैंने डेबिट क्यों किया बेटा? इनको मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि जब इनको बांटेंगे तो इनका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। और इनका नॉर्मली बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो जब कम करना तो क्या करेंगे? डेबिट। चलो जी, कौन कौन बांटेंगे बेटा जी? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को मिलेगा तो एक्स क्रेडिट होगा, वाई को भी मिलेगा तो वाई भी क्रेडिट हो जाएगा, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया या नहीं आया? क्लियर है? चलो अमाउंट बताओ फटाफट, पीएनएल का कितना बैलेंस था बेटा बोलो? 1,00,000, जनरल रिजर्व का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,60,000। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? अब बांटे कैसे इनको? तो बेटा इन तीनों का अमाउंट प्लस कर लीजिए, इन तीनों का अमाउंट प्लस कर लीजिए, और तीनों को प्लस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो क्या था? 4:3:2। क्लियर है? चलो जी, तीनों को प्लस करके और बांट दीजिए 4:3:2 में। कितना कितना आएगा बोलो एक्स का? इसका आ जाएगा 1,00,000 रुपए, इसका आ जाएगा 75,000, और इसका आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये मैंने कैसे बांटे? इन तीनों को मैंने प्लस किया और उसको बांट दिया
4:3:2 में। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गया क्या ये? एक एंट्री क्लियर है, दूसरी पे चले चले। अच्छा, इसकी नरेशन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स इन रेशो ऑफ 4:3:2, खत्म। ठीक है, चलो जी। अब बेटा हमारा एक रहता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसको भी बांटना है। हाँ जी, अब देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा लॉस है या प्रॉफिट है? पार्टनर, उसको बांटेंगे तो पार्टनर को क्या होगा? लॉस। पार्टनर को लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? डेबिट। तो कौन कौन डेबिट होगा भाई? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, कितना था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का अमाउंट? 90,000। चलो 90,000 लिख दिया, इसको बांटेंगे किस रेशो में? 4:3:2 में। समझ में आ गया? तो 90,000 को 4:3:2 में बांटेंगे कितना आएगा? 40,000, 30,000 और 20,000। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया किस तरीके से करा है बेटा? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है जी यहां तक? कौन सा वाला? सस्पेंस वाला। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है या प्रॉफिट है? इस लॉस को पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो पार्टनर को डेबिट कर दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट 90,000 है, उसको रेशो में बांट दो। क्लियर है? चले आगे। देखो जी अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी। ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 में बांटते हैं। ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 से दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। उन्होंने डिसाइड करा कि भैया हम बांटेंगे 3:2 में। रेशो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ओल्ड रेशो क्या है, न्यू रेशो क्या, पता चल गया। ओके, कह रहा ऑन द डेट, इस डेट को जिस दिन इन्होंने ये निर्णय लिया उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। इसका मतलब लॉस है प्रॉफिट है? लॉस है बेटा। इसने बोला रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस। क्या इसने ये बोला कि बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते? ठीक है, तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा? ओल्ड रेशो में। चलिए जी सुनिए, यहीं पर एंट्री कर रहा हूं। कौन कौन डेबिट होगा? क्यों? क्योंकि लॉस है, लॉस को बांटेंगे तो पार्टनर को क्या होगा? लॉस ही होगा। लॉस होगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, चलिए जी, आप लोग कह रहे हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। और टू पीएनएल अकाउंट, कोई डाउट है क्या इसमें? अमाउंट कितना भाई इसका? 60,000। इस 60,000 को कौन कौन बांटेगा? ए और बी। किस रेशो में? 2:1 में। चलो बांटेंगे तो आ जाएगा 40,000 और 20,000। कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बेटा पी क्यू आर तीन पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? पी क्यू आर। रेशो क्या है इनका? 3:2:1। ओके, उन्होंने डिसाइड करा कि फ्यूचर में किस रेशो में बांटेंगे? 4:3:2 में। किस रेशो में? 4:3:2 में। ओके, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? तो रेशो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? ओल्ड रेशो क्या है? 3:1 और न्यू रेशो क्या है? 4:3:2। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया भाई? आगे कह रहा है कि भाई इसकी ना एक एक्सट्रैक्ट हम आपको बैलेंस शीट दे रहे हैं, मतलब बैलेंस शीट पूरी नहीं है, उसका कुछ हिस्सा। बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, यहां पर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी बैलेंस शीट में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने रुपए? क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? हमारे यहां वर्कर काम कर रहे हैं,
उनको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, गिर सकते हैं, तो उनके लिए जो क्षतिपूर्ति होगी वो कौन पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म। तो उसके लिए पहले से क्या बना के चल रहे हैं? रिजर्व बना के चल रहे हैं। चलो 60,000 का बना लिया। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, उन केसेस को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। पहला केस नंबर फर्स्ट कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि प्रभु की कृपा रही कोई भी ऐसे एक्सीडेंट की कोई खबर नहीं आई, तो क्या करें? ये रिजर्व रखा रखा खराब हो जाएगा, ये रिजर्व रखा रखा खराब नहीं हो जाएगा क्या? तो इसको कौन बांट लेगा? कौन बांट लेगा? पार्टनर्स। किस रेशो में? क्योंकि कुछ कहा नहीं है तो किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। तो कौन कौन बांटेगा फटाफट से बताओ? पी क्यू आर। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्क पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बांट देंगे 60,000 रुपए को किस रेशो में? 3:1 में। 30,000, 20,000, 10,000। पहली एंट्री में कोई डाउट है क्या? ये हम पहले भी कर चुके हैं। केस नंबर टू, केस नंबर टू ध्यान से सुनिए। केस नंबर टू कहता इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000, किसी को चोट लग गई, बड़ी गंभीर समस्या, चोट लगी और हमने अंदाजा लगाया कि इसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 24,000। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि भैया हमने 60,000 का रिजर्व बनाया तो 60,000 ही पे करने पड़ेंगे। हम बोलेंगे उसको कि तीन सीढ़ी से क्यों गिरा, 10 से गिर, हमने 60,000 रिजर्व बना रखा, दो टांग तो टूटे कम से कम, एक टूटी है, 24,000 का खर्चा आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम उसको भाई जितना बन रहा उतना ही पे करेंगे, क्लियर है ना? तो 24,000 रुपए हमें पे करने हैं, तो 60,000 में से ही करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर भी हमारे पास रिजर्व बच जाएगा कितना? इसको कौन बांटेगा? कौन कौन? पी क्यू आर। बात क्लियर है? अब इसकी एंट्री समझिएगा कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। केस नंबर टू की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्लेम पे करना है या नहीं करना, तो हम कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। भाई ये तो कम ही हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्या हो जाएगा? कम। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आप लोग टू प्रोविजन फॉर क्लेम लिख लो, क्लेम लिख लो, जो आपका मन करे लिख लेना। ये पे करना है, बाकी जो बचेगा वो किस में बटेगा? कौन कौन पार्टनर है? पी क्यू। तो बांट दें टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की बात करते हैं भाई। सबसे पहले अमाउंट किसमें डाला जाएगा? क्लियर है? कितना डालेंगे यहां पर? कितना क्लेम पे करना था? कितना बच गया? वो 36,000 को कौन बांटेगा? पी क्यू आर। किस रेशो में? 3:1। कितना कितना आएगा? 36,000 को बांटो, 6 से डिवाइड कर दो, 18,000, 12,000, 6,000। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है ये एंट्री? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री पर पहुंच जाएं फटाफट। केस नंबर थ्री देखो, कहता है इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट, कितना पे करना है बेटा जी? 60,000। हो सकता है चार सीढ़ी से गिरा आपकी बार, पांच सीढ़ी से गिरा, ठीक है? तो 60,000 पे करना है, 60,000 पे करना है, तो क्या पे कर सकते हैं? चेक करो, हमने कितना रिजर्व बना रखा था और चोट भी कितने की लगी? तो 60,000 पे कर दे। अब पार्टनर दुखी हो जाएगा, यार हमारे तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना भाई? उनके लिए ही बनाया था ना। हाँ बच जाएगा तो तुम बांट लेना, पर प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे नहीं बचना चाहिए, इट इज सेकेंडरी, ठीक है? प्रायोरिटी तो वर्कमैन के लिए है, ठीक है? चलो जी, तो 60,000 रुपए का क्लेम है और 60,000 ही हमने रिजर्व बना रखा है, तो बहुत ही आसान है बेटा जी। चलो सुनिएगा, हम कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन तो अब भी हमारा खत्म हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है,
कितना कितना आ जाएगा पूरा, क्या पार्टनर में कुछ बटेगा, कुछ नहीं, खत्म हो गया। केस नंबर फोर, केस नंबर फोर पे आ जाएं। केस नंबर फोर क्या कह रहा है बेटा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट, रिजर्व कितना बनाया था और पे कितना करना पड़ रहा है, या मना कर दोगे भाई हमने 60,000 का रिजर्व बनाया था तो छत से क्यों गिरा, हमें क्या मतलब है। ठीक है, अगर तेरा हाथ मशीन में आ गया था तो उंगली तक ही रखता, यहां तक क्यों गया, ऐसा कुछ बोलेंगे क्या, नहीं भैया देखो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है तो तुम्हारा कोई कंट्रोल थोड़ी है, हवा हवा में ही उड़ता हुआ आता, स्पीड कम करता जो चोट कम लगती, ऐसा तो नहीं है ना। तो भैया उसको पे कितना करना पड़ेगा, 75,000 ही करना पड़ेगा, बेशक से रिजर्व आपने 60,000 बना रखा, तो बाकी का क्या, बाकी का क्या एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ रहा, करना पड़ा तो उसके लिए आपको लॉस की भुगतान करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब लॉस भी बुक करना पड़ेगा इसमें, है कि नहीं है। चलो एंट्री समझते हैं फोर्थ केस में, फोर्थ में ध्यान से समझिएगा, हम कहेंगे भैया रिजर्व तो हमारा अब भी खत्म हो रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या क्लेम पे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन कितना, और हमने रिजर्व कितना बना रखा है, तो लॉस हो गया कि नहीं, कितने का, 15,000, इसको लिखेंगे बेटा रीवैल्यूएशन, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लियर है, रिजर्व बना रखा था 60,000, एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं 15,000, कुल मिला के समझ में आ गया कि नहीं आया। एक बात बताओ, 60,000 के बदले 60,000 बराबर बराबर पे छूट गए, लेकिन जो 15,000 का लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, जब प्रॉफिट हो रहा था तो पार्टनर भाग के आ जाते थे, हमें दे दो हमें दे दो, अब जब लॉस हो रहा है तो क्या अब ये पीछे भाग जाएंगे, नहीं हमें पकड़ के लाएंगे, इधर आ 15,000 भर, तो कौन कौन भरेगा, पी क्यू आर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या था, 3:2:1। चलो जी, अब बेटा अगर पार्टनर लॉस का भुगतान करेंगे तो पार्टनर को क्या होगा, लॉस ही होगा, तो पार्टनर को लॉस होगा तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट, तो डेबिट करो जी किस किस को, पी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये किसको बांट रहे हैं बेटा, रीवैल्यूएशन से लॉस को, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन में कितना लॉस हुआ, इस 15,000 के लॉस को बांटेंगे किस रेशो में, 3:2 बांटे कितना कितना आएगा, 7,500, 5,000 और, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म, समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, आसान था,